नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। जालौन में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। यहां ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही जालौन के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इरज रजा पुलिस फोर्स और फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे, मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। साथ ही पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी खंगाल रही है, जिसके बाद बदमाशों के बारे में पता लगाया जा सके। चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद से ही हरिद्वार ट्रेवलर्स व्यवसायियों द्वारा बाहरी राज्यों के वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है। ट्रेवलर्स व्यवसायी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। ट्रेवलर्स व्यवसायियों का आरोप है कि परिवहन विभाग दूसरे राज्यों की गाड़ियों को चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड दे रहे हैं, जिससे हमारे व्यापार पर काफी असर पड़ रहा है। गुजरात के गिर सोमनाथ वेरावल के पास छिद्रा गांव में जब किसान को पता चला कि 120 फीट गहरे कुएं में एक कोबरा सांप गिर गया है, तो उसने तुरंत सांप रेस्क्यू टीम के राजू सोलंकी को बुलाया और सांप को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। काफी मेहनत के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन करके 120 फीट कुएं में ट्रॉली और इंजन की मदद से कोबरा सांप को कुएं के अंदर से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया। जिलाधिकारी और एसएसपी झांसी के नगर निकाय चुनाव मतगणना स्थल पर और स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करते हुए दिशा निर्देश दिए गए हैं। मीडिया द्वारा कवरेज के लिए भी सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस मान्य रहेंगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक फरुखाबाद पहुंचे। डिप्टी सीएम के साथ विधायक और सांसद भी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बीजेपी जिला अध्यक्ष रूपेश गुप्ता की माताजी सुषमा गुप्ता के समर्थन में रोड शो किया। गुड़गांव देवी मंदिर में लेकर फतेहगढ़ चौराहे तक होने वाले रोड शो के रूट पर भगवा कलर के गुब्बारे और झंडे नजर आए। रायबरेली जिस के पहले बड़े मंगल पर जहां जिले के सभी हनुमान मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आया, वहीं थाना क्षेत्र गदागंज की मखुदमपुर पुलिस चौकी में भी सुंदरकांड का आयोजन हुआ। साथ ही चौकी इंचार्ज अनिल यादव ने पुलिस चौकी पर भंडारे का आयोजन भी किया और राहगीरों और क्षेत्रीय लोगों में प्रसाद वितरण कराया गया। इस मौके पर सीओ डलमऊ आर के सिंह और थाना प्रभारी गदागंज शरद कुमार भी मौके पर मौजूद रहे। खबर उन्नाव से, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब फतेहपुर चौरासी थाने के अंतर्गत समसपुर गांव के किनारे बनी नाली के पास एक नवजात बच्चे का शव ग्रामीणों ने देखा। ग्रामीणों नवजात बच्चे का शव देखते ही आनन फानन में स्थानीय पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। श्रावस्ती महिला ने गौवंश का निशंस हत्या कर दी। मक्के के खेत में जाने से महिला ने एक साल के गौवंश का हत्या कर दिया। धारदार हथियार से गौवंश पर जोरदार प्रहार किया। खेत से घर पहुंचने से पहले गौवंश की मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने गौवंश का पोस्टमार्टम कराया है। साथ ही पीड़िता के खिलाफ पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कोतवाली भिंगा क्षेत्र के नौहसारा रामनगर बिश्नपुर गाँव का ही पूरा मामला है। सीएम योगी की जनसभा में उनकी तस्वीर सामने आई है। एक तरफ जहां निकाय चुनाव को लेकर सत्ता के गलियारों में हलचल मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ कानपुर के किदवई नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी उत्तराखंड के एक दिवसीय दौरे पर पिनान कलियर पहुंचे, जहां उन्होंने मोर्चे के पदाधिकारियों के साथ विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर पार्क में हाजिरी पेश की और मुल्क में अमन समानति की दुआ मांगी है। गुजरात सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के द्वारा मुकबधिर यानी कि जो बोल नहीं सकते ऐसे युवाओं के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। गुजरात के अलग अलग प्रांतों में मुकबधिर क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए आए। खास बात यह है कि सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग मंदिर के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात के सोमनाथ राजकोट सुरेंद्रनगर भावनगर जामनगर जिलों के मुकबधिर लोगों ने सोमनाथ के अतिथि बनने का आनंद उठाया और अपने खेल कौशल का परिचय दिया। मुकबधिर खिलाड़ियों के लिए आवास भोजन क्रिकेट का मैदान सहित सभी व्यवस्थाएं सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा की गई थी। आगरा की निवासी सोनिया बलानी ने फिल्म द केरला स्टोरी में आसफा का नेगेटिव किरदार निभाकर काफी प्रशंसा बटोरी है। फिल्म में उनके अभिनय के लिए जहां सिंधी समाज ने सोनिया के परिवार को सम्मानित किया, तो वहीं परिवार के सदस्यों ने फिल्म के विरोध को गलत बताते हुए लोगों की अपनी मानसिकता बदलने की कही है। गर्मी के चलते सूखे पेड़ों में हाईटेंशन लाइन की चिंगारी से भीषण आग लगी। झांसी कानपुर राजमार्ग पर भीषण आग लग गई। आग का रूप इतना विकराल था, तस्वीरों में देखा जा सकता है। आपको बता दें कि झांसी से आग बुझाने के लिए ग्रामीण लगातार कड़ी मशक्कत करते हुए नजर आए, किसी तरह से आग पर काबू पाया गया है। संभल में समाजवादी पार्टी ने निकाय चुनाव की मतगणना में गड़बड़ी की आशंका जताई है। सपा के चुनाव प्रभारी फिरोज खान ने डीएम और एसपी को निष्पक्ष मतगणना की मांग की, तो वहीं उन्होंने संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीक रहमान बर्क द्वारा पार्टी प्रत्याशी को चुनाव न लड़ाकर निर्दलीय उम्मीदवार को चुनाव लड़ाने, पार्टी के भीतर चल रही बगावत की रिपोर्ट निकाय चुनाव मतगणना के बाद पार्टी हाईकमान के समक्ष रखने की बात कही है। रुड़की के इकबालपुर गन्ना शुगर मिल पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का किसानों का करोड़ों रुपए का गन्ना भुगतान को लेकर 24 घंटे का धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत धरने पर बैठे रहे और उन्होंने सरकार को सीधे तौर पर चेता दिया है कि जब तक किसानों को उनका मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन ये प्रदर्शन खत्म होने वाला नहीं है।
बुलंदशहर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बुलंदशहर में भाजपा प्रत्याशी के लिए रोड शो किया। रोड शो रथ पर सवार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भाजपा प्रत्याशी दीप्ति मित्तल के लिए वोट मांगती हुई नजर आई। रोड शो के दौरान नगरवासियों द्वारा फूल बरसाकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का स्वागत किया गया। प्रचार रथ पर स्मृति ईरानी के साथ भाजपा के सांसद भोला सिंह, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर और भाजपा के बुलंदशहर की उम्मीदवार दीप्ति मित्तल भी मौजूद रही। हालांकि चुनाव प्रचार अब पूरी तरह से थम चुका है। कल 11 मई को वोटिंग होनी है। नगर निकाय चुनाव से दो दिन पहले पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अवैध हथियारों का जखीरा थाना पुलिस और स्वाट टीम ने पकड़ा है। पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री को पकड़ा। अवैध शस्त्र बनाने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। संबल में खंडर में करीब 25 साल के अज्ञात युवक का शव मिला है। कई दिनों पुराना ये शव बताया जा रहा है। शव मिलने से हड़कंप मच गया। शिनाख्त के लिए पुलिस ने पीएम हाउस शव को भेजा है। चंदौसी कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। झांसी उत्तर प्रदेश, दोपहर लगभग 4 बजे अचानक फलमंडी में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसके बाद तुरंत सूचना पाकर फायर ब्रिगेड CO सदर प्रज्ञा पाठक मौके पर पहुंची और वहां जाकर आग पर काबू करने की कोशिश की। बड़ी मशक्कत के बाद दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत जमालपुर में बीते दिनों अखिलेश यादव के रोड शो में बुलडोजर शामिल करने पर पुलिस ने सपा के महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोसी सहित दर्जन कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा TSI द्वारा किया गया। तहरीर के बाद ट्रैफिक अधिनियम के उल्लंघन के मामलों में थाना सिविल लाइन में दर्ज कराया गया है। गुजरात के वेरावल के सबनी गांव में लंबे समय से लोगों को परेशान कर रहा तेंदुआ आखिरकार पिंजरे में कैद हो गया। सबनी गांव में पिछले कई दिनों से सबनी और उसके आसपास के गांव में तेंदुए ने अपना कहर बरपाया था। वन विभाग को सूचित करते वन विभाग ने तलाला के पूर्व विधायक गोविंद भाई परामर के खेत में तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा के रखा था। जैसे शिकार करने आए तुरंत ही तेंदुआ पिंजरे में कैद हो जाए। वन विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार तेंदुए को पिंजरे में कैद कर लिया गया। पिंजरे में कैद किए तेंदुए को अमरापुर एनिमल केयर सेंटर लाया गया है। संतकबीरनगर जिले में निकाय चुनाव को लेकर आखिरी दिन प्रचार प्रसार में सारी पार्टियों ने अपने अपने तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार श्याम सुंदर वर्मा ने जूनियर हाईस्कूल से लेकर बधरिया बाजार तक पैदल रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन करते हुए जीत का दावा किया है। रैली में सदर विधायक अंकुर राज तिवारी के साथ सांसद प्रवीण निषाद और व्यापारी नेता अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट श्याम सुंदर वर्मा को जिताने का दावा करते हुए नजर आए। खबर गाजीपुर से, जहां जिले में PWD अफसरों का बड़ा खेल सामने आया। PWD विभाग के अभियंताओं ने बगैर सड़क निर्माण के 1.5 करोड़ रुपए ठेकेदार फर्म को एडवांस पेमेंट कर दिया। मामला गाजीपुर के दिलदार नगर रेलवे संपर्क मार्ग का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश नगर निकाय 2023 के दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कानपुर में एक ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया, वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने अपने काफिलों के साथ रोड शो और जनसंपर्क किया। जैसे ही उनका काफिला फूलबाग LIC चौराहे पर पहुंचा तो सैकड़ों से भी अधिक सिपाहियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। किसी ने माला पहनाई तो किसी ने उनको उन्हीं की प्रतिमा भेंट की। फर्रुखाबाद पहुंचे सूबे के डिप्टी CM बिजेश पाठक नगर निकाय चुनाव प्रचार का अंतिम दिन प्रचार करते हुए नजर आए। सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने पक्ष में ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। नगर निकाय चुनाव में बस 2 दिन का समय बचा हुआ है। इसे देखते हुए कोई भी प्रत्याशी बिल्कुल भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। खासतौर पर BJP जमीनी स्तर पर बैटिंग करने में लगी है, जहां फर्रुखाबाद पहुंचकर DTCM बिजेश पाठक ने भाजपा जिला अध्यक्ष रूपेश गुप्ता की माताजी सुषमा के लिए वोट की अपील की है। चिलगाना थाना क्षेत्र के पठेड़ में जमीन के मामले में दर्शन लाल सैनी नाम के व्यक्ति के घर पहुंची पुलिस पर महिलाओं सहित घर के कुछ लोगों के साथ अभद्रता करने का आरोप लगा है सैनी समाज में, जिससे भारी आक्रोश देखा जा रहा है। मथुरा में फर्जी शिक्षक भर्ती के लिए बदनाम मथुरा के बेसिक शिक्षा विभाग का एक और नया कारनामा सामने आया है। विभाग द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत होने वाले बच्चों के निःशुल्क एडमिशन में बड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं। RTI के विद्यालयों की सूची में फर्जी UDIs का जमकर इस्तेमाल किया गया। जानकारी के मुताबिक ताज़ा मामला कान्हा माखन पब्लिक स्कूल की मसानी ब्रांच का है। जिले में कई स्थानों पर ताबड़तोड़ मारपीट, अब बेनीगंज के मुख्य चौराहों पर जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में एक किस्सर में गंभीर चोटें आई हैं। बेनीगंज के मुराऊ टोल निवासी साइकिल सवार और बेनीगंज के कुर्सी गांव निवासी मोटरसाइकिल सवार की आपस में मारपीट हो गई। मारपीट का लाइव वीडियो सामने आया है। इससे पहले पालियर कछौना में भी पिटाई के लाइव वीडियो सामने आए हैं। फिरोजाबाद में यमुना किनारे एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवक के गले में फंदा लगा था और उसके दोनों पैर भी बंध गए थे। सुबह खेत पर आए किसान ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। हालांकि अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। खबर गाजीपुर से है, जहां माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गे अंगद राय पर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की है। पुलिस ने अंगद राय की 7 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली। पुलिस ने अंगद राय की 2 प्रॉपर्टी सीज की है। पुलिस ने भावरपुर थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव में मकान भी कुर्क गिर लिया है।
विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर बजरंग दल का देशव्यापी हनुमत शक्ति जागरण की श्रृंखला में स्थानीय बजरंग दल द्वारा श्री हनुमान मंदिर देहरादून चौक पर कुमुदी निवार समिति के संगी सामूहिक श्री हनुमान चालीसा के माध्यम से हनुमत शक्ति का व्यापक जन जागरण कर कांग्रेस सहित आतंकियों के पैरोकार अन्य संगठनों देश विरोधी हिंदू द्रोही मानसिकता की सद्बुद्धि के लिए भगवान बजरंगबली का आह्वान किया गया। भारतीय इतिहास में कभी न मिटने वाले नाम के रूप में याद रहने वाले महाराणा प्रताप का जीवन चरित्र जो भी देशवासी पढ़ लेगा वो इस राष्ट्र के कर्तव्य पथ पर चल जाएगा। इतिहासकार अकबर को महान बता रहे हैं और राणा की शौर्य गाथा को झुटलाते रहे हैं। समय बदलाव के साथ आगे आया है और महाराणा के जीवन चरित्र को भी देश के निवासी जानने लगे हैं। झांसी जिले के मौरानीपुर कोतवाली के अंतर्गत आने वाले कब्रिस्तानों पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने की शिकायत कई बार की गई। चाहे नई बस्ती का कब्रिस्तान हो कहीं और का कब्रिस्तान हो, माफियाओं ने हर जगह कब्जा कर कब्रिस्तान की जमीन को पीस डाला है। इसी के चलते मोहल्ला गांधीगंज में उस समय हड़कंप मच गया जब एक पिता अपने परिजनों के साथ कब्रिस्तान में बच्चे को दफनाने के लिए गया। वहीं पर मौजूदा भूमाफियाओं ने दबंगई दिखाते हुए कब्र खोदने से मना कर दिया, जिससे दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और मारपीट हो गई। कानपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के रोड शो के दौरान भाजपा समर्थक और सपा समर्थक आमने सामने आ गए। जुलूस के बीच में आने से दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। भाजपा की रैली में शामिल विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को बीच बचाव करना पड़ा। समाजवादी पार्टी से आर्य नगर विधानसभा से विधायक अमिताभ वाजपेयी ने इस पर काफी नाराजगी जाहिर की है। गौरीगंज नगर पालिका के बीजेपी प्रत्याशी के पति पर गौरीगंज सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह के भाई के ड्राइवर मोहम्मद शमी सहित एक अन्य व्यक्ति ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी प्रत्याशी के पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर दो अलग अलग घटनाओं को अंजाम देने का आरोप लगाया। विधायक के भाई के ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति बाकी बिहारी सिंह के साथ अलग अलग स्थानों पर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी है। जनपद की थाना बागलवाला पुलिस को गश्त के दौरान सूचना मिली कि कुछ गौ तस्कर गौकृषि की घटना करने के उद्देश्य से ग्राम बसवा और सिंहपुर के पास नहर की पटरी पर कुछ गौवंशों को इकट्ठा कर रहे हैं। पुलिस टीम पर ग्राम सिंहपुर के पास नहर की पटरी की तरफ झाड़ियों में से निकलकर कुछ बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें थाना बागवाला में तैनात आरक्षी वीरपाल के दाहिने हाथ के कंधे में गोली लगने से वो घायल हो गया है। रायबरेली में विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा बजरंग दल के द्वारा कर्नाटक में पीएफआई से तुलना और अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल को पूर्णतः सरकार बनाने पर प्रतिबंधित किए जाने को लेकर विरोध किया गया। वहीं आपको बता दें कि संगठन के राष्ट्रीय आह्वान पर रायबरेली में रेलवे स्टेशन मंदिर परिसर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। साथ ही बजरंग बली से विनती की गई कि कांग्रेस को सद्बुद्धि प्रदान की जाए। बबीना थाना क्षेत्र के गणेशपुरा का सागर ठाकुर अलग अलग असलाह लेकर सोशल मीडिया पर प्रदर्शन करता है। बता दें कि फोटो कई दिनों से वायरल हो रही है, उसके बाद भी अब तक इसके खिलाफ बबीना पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। बताया जा रहा है कि असलाह का प्रदर्शन करने वाले को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। आजकल पूरे देश में बॉलीवुड फिल्म द केरला काफी जगहों पर चर्चा का विषय बनी हुई है। काफी राज्यों में विरोध भी जारी है और ऐसे कई राज्य हैं जहां पर उसे टैक्स भी किया गया है। आज गुजरात के कच्छ में भी 300 लड़कियों को द केरला स्टोरी दिखाई गई है। खबर खटीमा जनपद उधमसिंह नगर से, जहां दो दिवसीय हड़ताल पर गए ठेला स्वामियों ने जुलूस निकाला। आक्रोशित सैकड़ों ठेला स्वामी ने तहसील में एसडीएम का घेराव किया। एसडीएम ने वेंडर जोन का निर्माण होने तक शहर में यातायात व्यवस्था के अनुरूप ठेला लगाने की परमिशन दी है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां सरकारी भूमि पर अवैध रूप से अफीम की खेती करने वालों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रतिबंधित अफीम की खेती का विनष्टीकरण किया गया। मौके पर आसपास के एरिया में ड्रोन से फोटो वीडियोग्राफी भी की गई। मामले में अग्रिम जांच की जा रही है। फसल की पैदावार करने वालों की जानकारी की जा रही है। सारी फसल सरकारी जमीन पर पैदा की गई है। 3 दिन पहले रेलवे ट्रैक के किनारे शक्त विशक्त मिले अज्ञात युवक के शव की शिनाख्त हो गई है। परिजनों में कोहराम मच गया, सभी का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने साथ ले जाकर हत्या करने का आरोप लगाया। मामला बशरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कस्बे का है, जहां अंडे का ठेला लगाने वाले मुन्नू के 20 वर्षीय बेटे सलीम को 4 तारीख को बगल के गाँव का रहने वाला सोनू नाम का एक युवक अपने साथ ले गया था। 2-3 दिन बाद बीत जाने के बाद जब शरीर घर वापस नहीं आया तो परिजनों ने सोनू के घर जाकर पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। उसने कहा कि मेरे साथ सलीम आया था लेकिन अब वो मेरे साथ नहीं है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। श्रावस्ती में जायरीनों से भरी पिकअप पलट गई। दूसरे वाहन को बचाने के चलते दोनों वाहन पलट गए। महिला समेत 5 जायरीन घायल हो गए। सभी बस्ते जिले से बहराइच दरगाह जा रहे थे। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। 2 की हालत गंभीर है, जहां पर बहराइच में रेफर कर दिया गया। नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र के बुद्धा कॉलेज के पास की घटना है। ताजा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप चौराहे का है, जहां पर एक वृद्ध महिला लगभग 8 घंटे सड़क पर बेहोशी की हालत में पड़ी रही। वहां से आते जाते राहगीरों ने उसकी मदद नहीं की। तभी वहां से गुजर रही एक समाज सेविका ने अपनी गाड़ी से उतरकर उस वृद्ध महिला का हालचाल जाना। महिला को पानी पिलाकर और उसे खाना खिलाकर उसके बारे में जानने की कोशिश की। बताया गया है कि वृद्ध महिला होमगार्ड थी।
सूडान के जारी गृह युद्ध में फंसे भारतीयों में से एक रायबरेली के इंदर अपने घर सुरक्षित पहुंच गए हैं। मोदी सरकार ने ऑपरेशन कावेरी चलाकर भारतीयों को सुरक्षित उनके परिवार के बीच पहुंचा दिया है। सरकार के इस कदम से वतन वापसी हुई तो इंदर का परिवार निहायत खुश है। रायबरेली यहां लालगंज तहसील में कटारा जानलेवा गाँव में रहने वाले इंदर कुमार उर्फ इंद्रजीत वहाँ खारतून के एक स्टील प्लांट में नौकरी करते थे। कानपुर में गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 93 के कांग्रेस पार्टी के पार्षद प्रत्याशी प्रभाकर पांडे पर दुर्गत बाइक सवारों ने जानलेवा हमला कर दिया। मौरानीपुर में मंगलवार को जिला के आलाधिकारियों ने बुखारा और घाट कुटवारा का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने मौरानी विकासखंड के ग्राम पंचायत बुखारा में अटल भूजल योजना अंतर्गत निर्माण अमृत सरोवर का निरीक्षण करते हुए कहा कि जल संरक्षण की परंपरागत पद्धतियों को पुनर्जीवित करते हुए अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने का लक्ष्य निर्धारित रखते हुए काम किया जा रहा है। झांसी में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कन्हैया लाल ने मंगलवार को 16 साल पहले ललितपुर हाईवे पर सड़क जाम करने वाले सदर विधायक रवि शर्मा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष धनुलाल गौतम, पूर्व मंत्री प्रदीप जैनादित्य समेत 40 लोगों को दोषी करा देते हुए 1500 रुपए की चालान किया है और रुपए नहीं देने पर सभी को एक माह की जेल काटनी होगी। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवारा जानवर यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। दरअसल बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव श्रीनगर गढ़वाल में एनएच पर घूम रहे इन आवारा जानवरों से जाम की स्थिति बनती रहती है। साथ ही कई बार हाईवे के बीचों बीच खड़े इन जानवरों से वाहन टकराने से दुर्घटनाएं भी होती हैं, जिसमें वाहन चालक समेत खुद ये जानवर भी चोटिल हो जाते हैं। वहीं चारधाम यात्रा की शुरुआत में ही आवारा मवेशियों से आए दिन शहर की यात्रा मार्ग में यातायात प्रभावित होता हुआ नजर आता है। लैंड जिहाद के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देशों के बाद देहरादून का जिला प्रशासन भी सख्त हो गया है। डोईवाला तहसील के सतीवाला, बड़करी और फतेहपुर टाडा में वन विभाग की भूमि पर स्थित कई मजारों को तोड़कर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। संभल जिले से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां गांव के लोग घुटनों तक भरे गंदे पानी के बीच से बुजुर्ग की अर्थी ले जाने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार एक साल से रास्ते में पानी भरा है, लेकिन अधिकारियों का ध्यान इस ओर बिल्कुल भी नहीं है। गंदे पानी के बीच अर्थी ले जाने का वीडियो वायरल होने पर खंड विकास अधिकारी ने 2 दिन में जल भराव की समस्या को खत्म करने का दावा किया है। संभल में नगर पालिका के चुनाव में शुरू हुई सपा सांसद शफीक रहमान बर्क और सपा विधायक इकबाल महमूद की लड़ाई सड़कों से होकर अब आर पार की लड़ाई तक पहुंच गई है। सांसद के पौत्र और कुंदरकी के सपा विधायक जियाउर रहमान बर्क ने कहा है कि इकबाल महमूद सदमे में है, झूठ इतना बोलो कि रफू हो जाए, उस झूठ का क्या फायदा जिसमें पैबंद भी न लग सके। निर्दलीय प्रत्याशी सुमन सक्सेना के कार्यालय में देर रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी। आग से चुनाव कार्यालय में रखी चुनाव सामग्री जलकर राख हो गई। चुनाव कार्यालय में टेंट और टेंट का सामान रखा हुआ था, जो पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। झांसी के अरज थाना क्षेत्र में सवारियों से भरी अनियंत्रित बस खाई में जा गिरी। बस में सवार लोगों में चिपकान मच गई। घटना अरज कस्बे के बीतवा नदी का पुल निकलने के बाद बस पलटी है। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़।